आप देख सकते हैं कि जनाब पद्मश्री हंस राज हंस जी, सबसे पहले तो हम दोनों की तरफ से आपको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वेलकम है जस पंजाबी और जस हिंदी के व्यूअर्स, सब आपको देख सकते हैं। नमस्कार आदाब जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं उस वक्त की शुक्रगुजार हूँ जो वक्त हमें आपके साथ गुजारने के लिए मिला है, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो जस पंजाबी और जस हिंदी के व्यूअर्स हैं वो भी डेफिनेटली बहुत शुक्रगुजार होंगे। और जस पंजाबी के मैं भी सारे व्यूवर्स को सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आदाब कहता हूँ। आप खैरियत से हों, सलामत रहो, सेहत याब रहो। सेहत याब के साथ साथ जो थोड़ी सी दिल की धड़कनें उनकी कई बार क्या है कि घर में रह रह के बैठ जाती हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि उनकी दिल की धड़कनों को संभालने के लिए और उनको सुकून देने के लिए आपसे बेहतर कौन हो सकता है। यूं तो आपसे सवाल पूछने का गुस्ताखी मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन फिर भी अगर हम रस्मी तौर पे अगर सवाल पूछने की बात करें तो आपको क्या लगता है कि इंसान ने कौन सी ऐसी कसम तोड़ी है ऊपर वाले के साथ कि ऊपर वाले ने सबके दिल के टोटे टोटे कर दिए? एक्चुअली इंसान अपनी तरह ही सोचता है जैसे वो खुद सोचता है, उसको लगता है भगवान भी वैसे ही सोचता है। भगवान बिल्कुल रिवेंजफुल नहीं है, वो बदला लेने वाला नहीं है। उसका नाम है रहीम, करीम, रहम करने वाला, कर्म करने वाला। ये हमारी हमें अपने आप को ब्लेम देना चाहिए कि हम लोग तरह तरह के तजर्बे कर रहे हैं, कुदरत से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उस वजह से थोड़ा मुश्किल वक्त में हमने खुद को डाल लिया है। और हाँ, मालिक हमेशा कृपा करता है। अब किसी साइंसदान के उस फंक्शन को ऑन कर दे जो अच्छी सी वैक्सीन बना दे ताकि लोग बचे रहें, सलामत रहे, खुश रहें, ये सोहनी दुनिया बसती रहे। तो ये सोनी दुनिया तो आपकी जो खूबसूरत आवाजें हैं उनसे भी बसती रहेगी ना हंसी। हंसी इस वेले सारी दुनिया जिहड़ी दवाई दी खोज कर रही है उह तां लभण गई, खैर कुछ दिनों विच हो सकदा है कि अनाउंस भी होण, कुछ चीज़ां US विच भी हो रही ने, ब्रिटेन विच भी हो रही ने, पर थोड़े कोल उह दवाई हैगी जिहड़ी सदियां तो जिहड़ी हैगी उह कई सारे मर्ज़ जिहड़ा हैगा भावें वह दुनियावी मर्ज़ होण, भावें वह रूहानी मर्ज़ होण, सारा का इलाज कर दें। वो संगीत की दवाई जी हैगी है, वो संगीत का जोड़ा इलाज हैगा। और इस वेले क्योंकि वैसे तो थोड़ी जी भूमिका हैगी हूँ डबल हो गई है, जिम्मेवारी अलग तरीके की एक खिते वधिया हुई ने, पर इस वेले जेकर असी संगीत दे डॉक्टर साहब न पूछिए कि जनाब इस वेले जोड़ा हैगा तुम की सोचते हो कि घर बह के जोड़े लोग परेशान ने उन्होंने संगीत दे राही किड़ा सुकून दिता जा सकता है? किधर ने आदत ही बना ली है तो उन्हें तो मनीर अपनी जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, जिस मुकाम पे रहना उकताए, इंसान की फितरत है जी, उसको उसकी चलना फिरना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, सोशलाइज करना, ये जिंदगी वो जी रहा था, एकदम रुकावट आ गई है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि कंट्री के हेड हमें, जैसे भारत का मिसाल लें तो हमें कंट्री हेड ऐसे मिले, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन टाइम हमें जगा दिया और सारे स्टेट हेड को ये हदायत की, बकायदा हमें भी समझाया सब लोगों को कि लॉकडाउन का मतलब क्या है। लॉकडाउन का मतलब यही है कि जितनी देर वैक्सीन या कोई दवाई कोई ऐसी चीज नहीं आती उतनी देर दिलों से दूर नहीं होना, सोशल डिस्टेंस रखना है, इमोशनल डिस्टेंस नहीं रखना। तो उसके लिए इंसान के लिए उस अपने टाइम को तरतीब दे लें, कभी मेडिटेशन कर लें जी। यही बोला ना कि अंदर जाओ हुँ. तो कुंडा लगा के फिर अंदर जाओ, अपने मजा लो,
सेल्फ रियलाइजेशन करो, जी एक्सरसाइज करो, जी गाना वाना सुनो, खाना खाओ। पहले ऑर्डर ही करते रहते थे हाँ जी छोटू को जां बहादुर को, अब खुद बनाओ मजा आए। जां वोटी ते एवें रोह पाउंदे रहिंदे सी हाँ बिना जी ही गल तो, हुण पता लगे ना किदां तड़के छड़के लाई दे आ। सो तरीके नाल जिंदगी नूं उत्सव बना लो, कोई गल नहीं, कुछ जी दिनां दी गल है, कुछ समय दी गल है, ये भी वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल जी, यही यही वो लाइन हैगी है जिहड़ी हर वेले जिहड़ा हैगा, एक किसी वेले लाइन चेतावनी बन के आती है, किसी वेले लाइन हाँ जिहड़ा जी हैगा बड़ा सुकून दिंदी है, और इस वेले लाइन बड़ा सुकून दिंदी है कि ये भी वक्त जिहड़ा हैगा वो लंघ जाएगा। और देखिए तुसी ना कि हाँ जी एक्चुअली फिक्र वाली गल नेचुरली है, ह्यूमन बीइंग आपा हाँ जी किसी एक एक खित्ते च एक स्टेट च होवे, पूरा इंडिया एक पूरा मुल्क मदद करता है, हाँ जी किसी एक देश विच होवे दूसरे देश मदद कर देन, ये तो पूरी दुनिया दे विच एक दम आफत आ गई है। बिल्कुल जी ते बिल्कुल आपो अपनी पई हुई सारे मुल्कां नूं, सारे लोग, ये शुक्र है कि इंसानियत अजे मरी नहीं है। सारियां फोर्सेस जिवें साडे इंडिया दे विच पुलिस है, जी जी डॉक्टर रब दा रूप बन के आए आ। जी पहला फिल्मां च तुसीं देखिया बड़े बड़े सेठ उन्हां दा बैग चुक के डॉक्टर दा अगे अगे तुरदे हुंदे सी, हाँ जी हुण उही वक्त आ गया डॉक्टर नूं रिस्पैक्ट देण दा। नर्सिस एंजल दी तरह ने, साडे पुलिस है इंडियन पुलिस, पंजाब पुलिस, ये सारे, और सफाई कर्मचारी, जी जी होर सारे आपो अपने लगे हुए आ। कोई लंगर वंडी जा रहा, मैं बड़ा ही खुश हाँ कि जिथे सारे धार्मिक अदारे लगे हुए आ उथे सारे लोग आप अपना जिन्ना जिन्ना किसी का सरदा वो दान पुन भी कर रहा। इस टाइम किसी कोशिश ये करो कि भुखा ना सोवे, बस खाना शाना पहुँचाते रहो। लंगर लंगर की प्रथा गुरु नानक साहब का यानी यह तालीम है, सानू जी बहुत खुशी होंगी जो अखबारों च पढ़ते हैं, मीडिया च देखते हैं कि SGPC तो लैके गुरु घरां तो सारा लंगर वंडिया जा रहा, मंदिरां चों स्वयं सेवक संघ सारे सेवादार लगे आ, राधा स्वामी सत्संग ब्यास है, 15 लाख 20 लाख बंदे नूं डेली लंगर खिलाया जाता, सारिया सारिया जगह क्वारंटाइन लिए यूज कर रहे। यानी हुण सारी इंसानियत लगी आ एक दूसरे की हेल्प करन लई जी और मदद करन लई, इहदी जरूरत है, इसे चीज़ की जरूरत सी। बिल्कुल मैं ये पूछना सीगा क्योंकि बिकॉज मैं बाद च सोच रही सी कि गल पूछांगी कि आप जी ने जिक्र किया अपने प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो मेरा दिल च एक सवाल सीगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप जी दी गायकी दे ज़्यादा फैन ने, आपकी अदायगी के ज़्यादा फैन हैं या आपकी प्रवानगी के ज़्यादा फैन? कहते सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। पता नहीं किस जी बात तो हो प्रेस ने, मैं पता नहीं, पर असी बहुत उन्होंने तो प्रभावित है इस करके कि पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर एज कंट्री हेड भी, और हाथ जोड़ के क्या किन्नी बारी हाथ जोड़ के है, लोगो है मुश्किल है घर च रहना, कुंडे जिंदे मार के अंदर वड़ जाना, पर अपने आप नू बचा लो, एक एक नागरिक का फिक्र करने लई वो कंसर्नड ने। इसी तरह सारे चीफ मिनिस्टर साहबान है, इसी जी तरह सारिया फोर्सेज है। हुण सियासतां तों पार्टियां तों धर्मां तों मजहबां तों उपर उठण दा वक्त आ गया। सारिआं नू चाहीदा इंसानियत नू जगा के, अपनी जमीर नू जगा के, यूनिटी दिखा के पूरी यूनीवर्स लई, पहला बिल्कुल प्रे करो फिर काम करो, फिर जो किसी का इंसानियत दे असी कुछ तिल फुल पा सकते हो पाना चाहिए। तो आपका ये जो हाल हारमोनियम पर जा रहा है तो मेरा मुझे ऐसे लग रहा है कि हम बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना? मतलब बहुत खुश नसीब हूँ मुझे तो ये लगता है क्योंकि जब भी आपसे मुलाकात का वक्त मिला है तो एक अलग ऑरे में मिला है और इतना कुछ बहुत ज़्यादा सुनने का वक्त नहीं मिला है और मुझे लगता है कि मुझे चुप रहना चाहिए और जो जी सुकून इस वक्त जिसकी तलाश है तो वो वहीं से आएगा, वो जो हाथ हारमोनियम पर है और जो आवाज़ दिलों में बसी हुई है उसी को सुनने के लिए एक तड़प है। एक मैं तुहाडा हुक्म मानदा होया, एक रेलिवेंट है हुण
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। जिंदा कुंडा लाके रखी पर ना टेरी टाके रखी, जिंदा कुंडा लाके रखी पर ना टेरी टाके रखी, रात हनेरी मुक जावेगी, रात हनेरी मुक जावेगी, आस दा दीप जगा के रखी, आस दा दीप जगा के रखी, जगा के रखी, जिंदा कुंडा ला के रखी पर ना टेरी टाके रखी, चानण दा सरनामा लिख के, चानण दा सरनामा लिख के, एक अद्धा खत पाके रखी, एक अद्धा खत पाके रखी, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਜੋ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ਼ਕ ਦਿਲੇ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਰ ਨਾ ਠੇਰੀ ताके रखी, रात हनेरी मुक जावेगी, रात हनेरी मुक जावेगी, आस दा दीप जगा के रखी, आस दा दीप जगा के रखी, जगा के रखी, जिंदा कुंडा लाके रखी। और सुनोगे? जिंदा कुंडा लाके संदड़ा खेत है बंदिया, कर्मा संदड़ा खेत है बंदिया, चंगे कर्म कमा के रखी, चंगे कर्म कमा के रखी, माड़ा वक्त भी गुजर है जाना, माड़ा वक्त भी गुजर है जाना, आस चंगेरी ला के रखी, जिंदा कुंडा लाके रखी। बहुत अच्छा गल है। आस अते अरदास ना छड़ी, आस अते अरदास ना छड़ी, हिरदे हरी वसा के रखी, आस अते अरदास ना छड़ी, हिरदे हरी वसा के रखी, सबनों दिल दे नेड़े रखी,
ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖੀ, ਦੂਰੀ ਉਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦੂਰੀ ਉਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਸ ਦਾ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗਮਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਘਰ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਫਰਟਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ, ਕੱਖ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਰਹੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁਣ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਜੀ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੰਸ ਜੀ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਾਂ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਜੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੁਰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਸੁਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੱਚੇ ਸੁਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਏ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮੱਕਾਰ ਆ, ਝੂਠਾ ਆ, ਕਰਪਟ ਆ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ 'ਚ ਵੀ ਬਸੁਰਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਤਾਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਖ਼ਤੋ ਤਾਜ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਗੁਣ ਔਰ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਹੌਲ। ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ
ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪੜੀਆਂ ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਛ ਕੜਾ ਤੇ ਖੇਸ ਕੱਛ ਕੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਗ ਇਹੋ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਦੀ ਏ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਝੰਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ ਝੰਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੰਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਸਪਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਿਓ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਮੁੱਖੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੈਕਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਗੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਗੱਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਚ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਊਚ ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ और आप जैसी आवाज़ें और आप जैसी रूहें जो हैं पूरी पूरी दुनिया को ये सब बताती रहती हैं और टाइम टाइम पर रियलाइज़ कराना जगाना अपनी आवाज़ के थ्रू कहीं ना कहीं कोई जो एक कोई बंद दरवाज़ा पड़ा है उसको खोल जाना है ना कभी कभी मैं तो जी देखो कुदरत तरीके से हमें याद करवा रही है मैं जिक्र तो नहीं करना चाहूँगा मन बहुत ख़राब था कैसी कैसी सूरतें कहते जमी खा गई आसमां कैसे कैसे मैं देख रहा था कि ऋषि कपूर साहब एक जमाना सी लैला मजनू फिल्म आई कि मैं उदा दे वाल जै रख के तो वीरान जै उस तरह की मेरी फोटो एल पी पहले रिकॉर्ड से कोशिश ये करनी कि उस तरह का लगा मजनू मियाँ कैस वर्गा कि साढ़े आइडियल बड़ा प्यारा आर्टिस्ट एडा सोहना इरफान खान साहब वो चले गए ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਦਾਸ ਖਬਰ ਆ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਖਵਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਦਾ ਹੁਸੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ ਤੇਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਯਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਹਨੇਰ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ
कोशिश ये करो, मुहब्बत करो, दूसरियां ले दे किसी दे काम आओ। मेरा ख्याल है मालिक सानू बख्श देगा जनाब। हाँ जी, बस गुजारिश है लालची इंसान की। जो इरफान साहब, ऋषि कपूर साहब, फिदा हुसैन साहब नू मैं ट्रिब्यूट करदा एक गीत, हाँ जी जी, उन्हां लई मैं याद करके गीत गाना। ये जो सिली सिली आंदी है हवा, ये जो सिली सिली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, ओ यादा मेरे वांगू सीने नाल ला, किते कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली आंदी है हवा हवा, सिली 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 आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा। बिना बदला तो होई जावे बरसात जो, चुन्नी नू न छोड़ी जावे कोठे चढ़ी रात जो। बिना बदला तो होई जावे बरसात जो, चुन्नी नू न छोड़ी जावे कोठे चढ़ी रात जो। पल्ला चन दा भी भिज जो गया, किते कोई रोंदा होवेगा। ये जो सिली सिली आंदी है हवा, किते कोई रोंदा होवेगा, ओ किते कोई रोंदा होवेगा, ओ किते कोई रोंदा हो। क्या बात। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो बस देखिए एक हाथ ऐसे है और आपके इमोशनल वाला जो एक्चुअली क्या है हंस जी, मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिन्होंने आपके साथ काफी वक्त गुजारा है। तो आप देख लो एक... इतना अच्छा हो गया, हम कितने प्रोग्राम किए और हर मुलाकात गलत फहमियाँ उससे रहत ही हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। कभी कोई चौहान साहब जी, इतने मजे से हमने इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाए जी जी, बहुत रियलिटी शोज भी है उसमें, कोई और भी म्यूजिकल प्रोग्राम होते थे, तो बहुत क्रिएटिव है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये साडी भी खुशकिस्मती है कि इन्हां दे नाल बैठ के गल्लां करन दा मौका मिलदा है ना। कई बार अजिहा हुंदा है कि मैं जदों ये गल्लां करदे ने मैं सिर्फ सुनदा रहिंदा, मैं कोई विच सवाल नहीं हुंदा, कोई मैं सिर्फ सुनदा है कि दो एक हायर लैवल दे लोग जिहड़े हैगे ओह गल्लां की करे, क्योंकि मैनूं पता है कि इन्हां दा जिहड़ा वर्क एक्सपीरियंस हैगा है, तजर्बा जिहड़ा हैगा, उस चों बहुत सारियां गल्लां अजिहियां निकलणगियां जिहड़ी शायद मेरे कोल उस तरह दे ना सवाल होणगे ना शायद दर्शकां नूं वी नहीं पता होणगियां। बहुत वड्डी गल चौहान साहब, वैसे भी अपने आप नूं मनफी करके जी जी किसी होर नूं तरजीह देनी जां सुनना बड़ा वड्डा गुण है, बहुत वड्डा गुण है सर। ते कुछ लोग अपना ही कही जांदे आ, सुणदे ही नहीं ओह भी अपने तरीके नाल उहनां दा ज़ेहन हुंदा, पर ओह खुश नसीब लोग आ जो अपने आप नूं मनफी करके अगले नूं तरजीह दिंदे आ, अपना अगले की वड्याई करते हैं, अगले नूं वड्डा जानते हैं, किसी नूं नीचा दिखाउणा किस लोकां दे हुंदे ईगो प्रॉब्लम ऐसी तुहाडे च नहीं है, बड़ी चंगी गल है, बहुत अच्छी गल है। मैं छोटा जा एक गुस्ताखी होर कर सकते हैं, छोटा जा सवाल है मेरा एक हुक्म।
जो ये गुस्ताखी लफ्ज तुसी बहुत बारी यूज कर लिया, हुण इहनूं डिलीट कर दो। है, मैं फिर हक नाल, फिर मैं हुण मैं हक नाल पूछना, ठीक है जी। तुसी गुस्ताखी करदे ही हाँ, नहीं। मैं हक नाल हुण पूछना, ते हक हाँ जी, नाल एक, हाँ हक नाल पूछो हाँ हक और नाल ये सच पूछना पूछो। चाहती हाँ कि अगर मैं म्यूजिक की शक्ल इंसान के रूप में देखूं, तो अगर उसका दिल देखूं तो हंस जी देखूं, उसके नैन देखूं तो हंस जी देखूं, तो ये जो दीवानगी हंस जी की म्यूजिक के लिए है, जो म्यूजिक खड़ा करें और हंस जी को खड़ा करें, वो एक ही रूह है, तो ये दीवानगी अचानक से या काफी साल तक, मैं कह सकती हूँ बीच बीच में काफी अरसे तक वो थोड़ी शांत भी रही, वो आवाज थोड़ा कुछ गाना आ जाना, फिर थोड़ा शांत हो जाना, 1 साल 2 साल, और फिर उसके बाद एकदम से कुछ गाना, कुछ प्रोग्राम्स करना, और फिर कुछ थोड़ा शांत हो जाना। तो ये जो बीच बीच में आप ब्रेक्स लेते हैं, आपका जो म्यूजिक वाला चेहरा है, तो वो ऐसा क्यों है कि थोड़ा थोड़ा आप दुनिया से दूरी बनाते हैं या खुद में कुछ और ढूंढना चाहते हैं? मैंने पहले अर्ज की है ना कि बंदे को कभी कभी खामोश भी रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मेरे छोटे भाई बहने इतना अच्छा बच्चे गा रहे हैं, तो दो मेरे बेटे हैं नवराज हंस युवराज हंस जी, जी वो जी भी गाते हैं, जी और भी बाकी भी मेरे बेटे जैसे हैं जो बाद में शुरू हुए यंग, तो उनको भी सुनता रहता हूँ, सुनते रहना चाहिए। कुछ मैं डाइवर्ट भी हो जाता हूँ, लेकिन दीवानगी कभी कम नहीं हुई मेरा। जो जितनी देर मैं जिंदा हूँ स्वर के साथ ही जिंदा हूँ, मैं कुछ भी करता रहूँ क्या किसी भी बात। फील्ड में रहूँ तो मैं गाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ। हम भी कुछ कुछ पूछते रहते हैं और सुनते रहते हैं और सुनने के लिए तरसते रहते हैं। हंस जी, आप जनाब का ना एक, क्योंकि मैं काफ़ी आपके करीब रही हूँ, तो आपकी जो हाजिर जवाबी है वो लाजवाब है, और वो अक्सर जी लोगों को लाजवाब कर भी देती है। तो मैंने जी सोचा कि छोटी छोटी चीज़ें लिख लेती हूँ, देखती हूँ कि कैसे, मतलब लोगों तक वो समझ में आना चाहिए, जो सिर्फ आपका म्यूजिक सुनते हैं, जिन्होंने आपको करीब से नहीं जाना है, तो वो भी थोड़ा सा एक इस चीज़ का लुत्फ उठाएं। तो एक छोटी छोटी सी लाइनें हैं। पीएम मोदी, जी मैं आपसे जवाब हाँ जी चाहूंगी, मैं आपसे छोटा छोटा वर्ड कहूंगी, आप जवाब देना अपने उसमें, हाजिर जवाबी वाला, हाँ जी ठीक है? हाँ जी तो मैंने आपसे पूछा पीएम मोदी जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बब्बर शेर, बब्बर ओके। शेर, और ट्रंप जी? 56 इंच का सीना। और ट्रंप? ट्रंप साहब महापुरुष है, बहुत बड़े, बचा लो अमरीका नु, यही कहूंगा। ठीक है। आप संसद को क्या कहेंगे, जो वहां पर सिनेरियो होता है उसको लेकर के? मैं उसको मंदिर समझता हूँ, लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर है। जहाँ लोग चुन के भेजते हैं और उन्होंने उम्मीदा होती है साढ़े को बिल्कुल। कि मेरा लस्सी पी के तो बेसन खा के सुते ना रहो, कुछ साढ़े हाथों लड़ो थे जाके। इस करके मेरे लिए वो मंदिर है, और मैं तो बड़ा स्ट्रगल करके गया, संघर्ष करके गया। कोई बेसुरा जिसे अपने सुरीला होने का गुमान हो? वो हंसरा या हंसी है वो तो कोई हो नहीं सकता बेसुरा। एक महात्मा सी, उन्होंने एक बीबी जी पूछदे आ जी कहंदे कि तुसी कहंदे हो अहंकार हो मैं ईगो बहुत बुरी चीज है अहंकार, मैं जो तैयार हो के गुरु जी शीशे अगे बैठदी हाँ ते मैं अपनी सूरत नू देखदी हाँ ते मैनू हंकार हो जाता कि किन्नी सुंदर है मैं, किन्ना हुसन है मेरे से। वो कहते बेटे गलत फहमी है, अहंकार नहीं होंदा, पाप नहीं होंदा। सो इस करके बंदे नू अपने ऐप तलाश नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल।
मैं देखो तुसी अहंकार की गल की, मैं अगली चीज़ भी यही लिखी सी, जदों कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अहम चीज़ किसी अहम नाल टकरा जाए तो फिर किवें आपस सुलझाए। अहम चीज अहम ना टकरा जाए। हाँ हाँ, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अहंकार के साथ जी, टकरा जाए तो फिर हाँ जी, कौन किसको मनाए और कौन किसको सुलझाए। इम्पोर्टेंस तो इसी में है, अहंकार निम्रता से मर जाता है और अच्छे रिजल्ट निकाल सकता है। अहंकार ना अहंकार टकरा जाए तो दोनों का ही बेड़ा गर्क हो सकता है। जे एक अहंकारी है दूसरा मुलायम हो जाए, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों फिर ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। तो जे एक बंदा अहंकारी है दूजा ओदा भी सवा सिर होके आवे फिर दोनों का नुकसान है। इंपॉर्टेंट आदमी उही है जिहड़ा मौके की नजाकत नूं समझदा होया कह लै कि कहिंदे चतर के हम गुरु हैं मूर्ख के हम दास, ते भला जी इसे च ही है। बिल्कुल। ते मैं जदों आप जी आए सी प्रोग्राम शुरू किया सी, आप जी ने कहा सी कि तड़के लगा रहे ने सारे, मैं क्या आप जी हाँ ने भी जी, कुछ सीखा तड़का? हाँ जी, मैं भी ला लेना हूँ माड़ा मोटा, तो अच्छा सब्जी सुब्जी बना लेना हूँ मैं, और कदी कदी रोटी नहीं अजे बनानी आती, तो वैसे ये सीखनी चाहिए है मेरे हिसाब ना। हर चीज़ बंदे नूं आनी चाहिए, पता नहीं किदा दा टाइम आ जाता जी, बंदा फिर सेल्फ डिपेंड हो सकता, नहीं तो वेलने घर वाली दे खाने होंगे है। चलो आपके यहाँ तो मैं कहती हूँ कि आपके घर के तो दरो दीवार भी खुश नसीब हैं कि इतनी सुरीली आवाजों को दिन रात सुनते हैं। हाँ जी, ये तो साढ़े घरदिया नूं पुछो, अच्छा दूर 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 तो सारा ही चंगे लगे। तो फिर बस मैं लालची इंसान। कहते कहते जा। हाँ जी, नहीं, मैं सुन रही हूँ, प्लीज हेलो, दसो ना। हाँ दसो, हुक्म करो। मैं तो बस हुक्म लालची इंसान हूँ, तो बस हाँ जी, ऐसे भी है और ऐसे भी है। हाँ जी, जो सिमर आप, जी, एक होर गीत मैं बनाया है, हाँ जी जिस दिन आपां दीवे जगाए सी ना छत्तां ते बैठ के, हाँ जी हाँ जी उस दिन मैं थोड़ा जा लिखिया सी, वो सुनाना मैं हाँ जी जी। किड्डा सोहणा ए जहान तू बनाया, किड्डा सोहणा ए जहान तू बनाया, जहान तेरा वसदा रवे मालिका, जहान तेरा वसदा रवे, करो करो ना दुनिया ते कैर बन आया, करो ना दुनिया ते कैर बन आया, जहान तेरा वसदा रवे मालिका, जहान तेरा वसदा रवे। 84 लख जून तू बनाई मेरे मौल को, बुत्तां विच जान फिर पाई मेरे मालका, बुत्तां विच जान फिर पाई मेरे मालका, इंसानी जामे विच आप भी तू आया, इंसानी जामे विच आप भी तू आया, इंसान तेरा वसदा रवे, किड्डा सोहणा ए जहान तू बनाया, जहान तेरा वसदा रवे। एक जिरे गौर गल है, हाथ खड़े कर गईयां ताकतां जो वड्डियां, हाथ खड़े कर गईयां ताकतां जो वड्डियां, बंदे ने बनाइया सी जो रुक गईयां गड्डियां, बंदे ने बनाइया सी जो रुक गईयां गड्डियां, ये समान भी तू आपे ही बनवाया, ये समान भी तू आपे बनवाया, समान तेरा वसदा रवे दात्या, जहान तेरा वसदा रवे,
ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਜਹਾਨ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਹਾਨ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਮਾਲਕ, ਜਹਾਨ ਤੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ। जी हाँ, बस पूछना चाहती थी कि ये जो संगीत की विरासत है आपके पास भर भर के, और जो आजकल का संगीत है, तो आजकल के संगीत की विरासत को कैसे बचाया जाए? विरासत जिहड़ी है साडी, साडे लोक गीत ने, साडा लोक विरसा है, उन्हें संभाल के रखना चाहिए। बेशक साडा खानदानी ये काम नहीं सी, फिर भी मालक दी बख्शिश नाल मैं संगीत वाल आ गया। अगो मेरे बच्चे भाई खानदानी काम ही नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे गाँवे भी ने, एक्टर भी ने। अगों जे होर बच्चे गा रहे हैं उन्होंने ये चाहिए कि यार हालात ठीक हो, थोड़ा जा पंजाबी फोक नू, पंजाबी लोक गायकी नू, पंजाबी लोक विरसे नू जरूर गाउण, और ऐसा गीत जरूर गाउण जिहदे विच कोई सोहना मैसेज जावे, पॉजिटिविटी होवे, सकारात्मक गल्लां करिए, जिंदगी दियां गल्लां करिए, सोहणियां गल्लां करिए, मुहब्बतां दियां गल्लां करिए, नफरतां वालियां वायलेंट वूलेंट ये वो ये सारा हुण छड्ड दईए। तो आप की जो दीवानगी रही पॉलिटिकल म्यूजिक के बाद, पॉलिटिकल चीज़ों से भी काफ़ी दीवानगी रही, दीवानगी ना होती तो शायद इतने सारे स्ट्रगल के बाद आप वहाँ नहीं जाते। स्ट्रगल भी तभी होता है जब दीवानगी होती है, मतलब स्ट्रगल चाहे कितना भी होता रहे, दीवानगी है तो वो पूरा हो ही जाता है। तो इसके साथ साथ थोड़ी सी दीवानगी कहीं आपकी आजकल की मूवीज़ जो पंजाबी इतना काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो आपको ढेर सारे ऑफर्स आते होंगे हंसजी? हाँ जी, ढेर सारे तो नहीं आते, बहरहाल कभी कभी आते हैं, देखते हैं जी हालात चो निकले तो फिर करांगे। किसी बुढ़े बड़े का रोल करते हैं, हम दाढ़ी दूढ़ी रंगनी छड़ती है, कटौनी भी छड़ती है। वैसे लॉकडाउन का फायदा होया, बहुत सारे काम हुण आसान हो गया है, और ना दाढ़ी रंगी दी ना कटाई दी है, जिदा नैचुरल जे वधदे पहला पहला हुंदे सी उदा हो जाएंगे। तो जे कोई बुढ़े बड़े का रोल दिता तो लै लाँगे, एड्डी कड़ी गल है। वैसे तो गाना गाना मेरी दीवानगी मेरी गाने लिए, बाकी कुछ गैरत जिया सी मेरे को, गैरत मंदा दी निशानी होंगी कि वह किसी की गल ही एवं व्यौनी होंगी कि यार इनू असी हराया हराया असी, तो मैं क्या जी तुम हराया तो मालक मेरा जिता भी सकता, वो जिद्दी जहा मैं हैगा लगा रहना बस, कोई गल नहीं। बाकी हंकारी नहीं गा होना चाहिए, जिद कर लेनी, कमिटेड हो जाना, डिटरमन हो जाना, और फिर अरदास करते रहना है मेरे मालका मैनू जीवन जोगा कर दे, मैनू रहन जोगा कर दे, फिर जित के तुसी विनम्र नहीं होंगे तो फिर तुसी यू विल हैव टू बी, तुहानू फिर पनिशमेंट भी मिलती है। सो रहना बनिमर ही चाहिए। बाकी दीवानगी मेरी सुर लई है तो मुहब्बत लई है, होर किसी चीज़ लई नहीं। हंसी जिहड़ी दीवानगी हैगी है, इस दीवानगी नूं तुसीं जदों संगीतक तौर पर जदों इसनूं एक्सप्रेस किया तो तुसीं यह भी गाया कि खाली दिल नहीं वो जान भी मंगता, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा जी, ते जी गुजारिश है गाया सी छोटी जी बस हम तो गाने की लाइनें थोड़ा थोड़ा हिंट देते रहते हैं और गुजारिश से करते रहते हैं कि देखिए शायद अच्छा गाऊं मैं। अच्छा कहते हैं ये आग का दरिया है, इश्क के बारे में कहते हैं ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, मोहब्बत नाम गम का है शुरू आंखों से होती है, मोहब्बत नाम गम का है शुरू आंखों से होती है, बहुत मज़ा है इसमें ख़त्म सांसों पे होती है। अब तो वो भी इश्क के मारे नज़र आने लगे,
उनकी भी नींदें उड़ गई, तारे नजर आने लगे, आंख वीरां जुल्फ बरहम लब परेशान, क्या बात, आंख वीरां दिल परेशान जुल्फ बरहम लब खामोश, इस हाल पर भी प्यारे नजर आने लगे। तो फिर कहने लगे, इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे ने तूफान, एक हाथ में अपना दिल रख ले, एक हाथ में रख ले जान, खाली दिल जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हूं जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। आजकल के सिनेरियो में कैसे मोहब्बत को महकाया जाए, कैसे मोहब्बत की महक को बचाया जाए, कैसे मासूमियत को फिर से खिलाया जाए, कैसे इंसानियत की नियत को बचाया जाए। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, कहते जो दिल में है वो कोसों दूर कैसे, सोशल डिस्टेंस का फायदा लेके जिस्मों से ऊपर उठो, रूह तक सफर करो, किसी की रूह तक का आपने टच कर लिया तो आपको मोहब्बत वो हासिल हो जाएगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो मोहब्बत ही की है मेरा ख्याल रब ने, ये जो कायनात बनाई है जी, तो उसने भी, उसका भी कोई महबूब होगा जिसके इश्क में ये दुनिया बनाई है। कहते अव्वल हमद खुदा दा विद कीजे, इश्क कीता सु जग दा मूल मियाँ, पहलों आप ही रब ने इश्क कीता ते मशूक है नबी रसूल मियाँ। तो मेरा ख्याल जिहड़े संत महापुरश पैगंबर हुंदे उन्हां दे महबूब हुंदे आ। सो मुहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिहड़ा इंसान नूं जिंदा रखदा, तरोताज़ा रखदा और शांत रखदा। नफ़रत ऐसी अलामत है, ऐसी एक करोपी आ मालिक दी, बदकिस्मती है जिहदे नाल बंदा खुद भी परेशान हुंदा अगले नूं भी, खुद भी ख़त्म हुंदा अगले नूं भी। मुहब्बत करके बंदा खुद खुदा हो सकदा। सो इस करके सिनेरियो कोई होवे, हालात कोई होवे, मोहब्बत दा दामन ना छड्डो। मोहब्बत तुहाडी एक खूबसूरत एक जज्बे दा नाम है, उहनूं मरन ना दिओ कदी, मेरा ख्याल है। क्या बात करो, एक छोटे से ब्रेक लेना है। हाँ, ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं। अच्छा, ब्रेक तो बाद जी अगर तुसी आज्ञा दो तो फिर छुट्टी बख्शो, क्योंकि थोड़ी सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी विच लंगर तकसीम हुंदा ना जी, हाँ जी, थोड़ा हाँ चेक चुक करना हुंदा। हाँ जी जी, आज इन्नी हाजरी जिद्दा तो हाँ, बस फिर आपका जो हुक्म है वो सर आंखों पर, और ये जो वक्त आपने मुझे दिया ये मैंने अपने, कहते हैं कि सुनहरे वाले वक्तों में लिख लिया, एकदम से सुनहरे गोल्डन वर्ड्स में लिखा है, और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी लिखा होगा। जस पंजाबी टीवी का और पैनी जी का, सिमर जी आपका, सारी टीम का, चौहान साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जितने भी व्यूवर्स हैं एक बार फिर उनके लिए मैं अरदास करता हूँ, दुआ करता हूँ, प्रे करता हूँ कि आप सेहत याब रहो, खुश रहो, जल्दी से जल्दी हालात नॉर्मल हों, हम फिर उसी स्पीड में एक दूसरे के पास पहुँचें, जफियाँ डालें, प्यार करें, मोहब्बतें करें, खुश रहो, बाग बहारा ते गुलजारा, बिन यारा किस कारी, यार मिलन मिट जावन दुखड़े, ते शुक्र करा लख वारी, मालक कृपा करे
ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪੱਕਦਾ ਆ ਅਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰਮ, ਆਦਾਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।